तो दोस्तों ये नज़ारा देखकर आप लोग सोच रहे होंगे ये नज़ारा है कहाँ कहाँ। तो ये नज़ारा है दार्जिलिंग का। दार्जिलिंग की वादियों में हम लोग घूम रहे हैं और आप लोग को भी डिजिटली हम लोग घुमाएंगे। तो इस वादियों में हम तो घूमेंगे, साथ साथ आप लोग भी घूमेंगे और बादलों के पास आप लोग ज़रूर पहुँच जाएंगे, क्योंकि ये स्वर्ग से नज़ारा कम नहीं है। और चारों ओर देख सकते हैं चाय पत्तियों का बगान से ये भरा हुआ है और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है दोस्तों। तो देख ही सकते हैं चारों ओर खूबसूरत वादियों से ये दार्जिलिंग घिरा हुआ है पूरा, क्योंकि दार्जिलिंग पता है दोस्तों पहाड़ों का शहर है और खूबसूरतियों से ये भरा हुआ है। तो आप लोगों को प्रीव्यू से ही समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, तो हल्का सा भी स्किप मत कीजिएगा और चलिए यात्रा की शुरुआत करते हैं दार्जिलिंग डिजिटली। आप लोग घूमिए मेरे साथ। सारी आर्मी कंट्रोल करती है यहाँ पर, गुरखा रेजिमेंट वगैरह यहाँ पर है, और ये माता का मंदिर। चलिए चारों ओर बहुत सारा लीची का पेड़ है। मेरे सामने दिख रहा है आप लोगों को लीची का पेड़, देखिए वाला नीचे जो लीची का पेड़ है रेड रेड दिख रहा है, पूरा पूरा लीची का पेड़। मस्त एरिया, आइए खाइए घूमिए, भाई को भी खिलाइए और मस्त रहिए। गाइस देखिए लीची का पेड़ है, ये रहा लीची का पेड़। हम लोग फोकट में खरीद खरीद के खाते हैं, यहाँ आइए तोड़ के पेड़ में चढ़ के खाएंगे। देखिए पूरा लीची है, दार्जिलिंग में सब कुछ मिलेगा आपको, आ जाइए देख लीजिए पूरा लीची है रेड रेड देखिए। हमारी यात्रा की शुरुआत हो चुकी है इन सुंदर सुंदर नज़ारों से। चारों ओर देख सकते हैं कितना सुंदर नज़ारा है, पहाड़ियाँ हैं, वादियाँ हैं, और जो हम लोग यहाँ पर चल रहे यार अलग तरह का एक अनुभव है, जो कि आप लोग यहाँ पर आएंगे तभी पता चलेगा आप लोगों को, क्योंकि इतना सुंदर नज़ारा हम लोग का जो भारत का दार्जिलिंग में देखने को मिल रहा है। क्योंकि पता है भारत कहीं से कम नहीं है और यह दार्जिलिंग तो बहुत ही सुंदर है, और भारत में ऐसे बहुत सारे अनेकों जगहें हैं जहाँ पर ऐसा ऐसा सुंदर जगह देखने को मिलता है, पर मैं आज आया हूँ दार्जिलिंग, और दार्जिलिंग की वादियाँ इतनी खूबसूरत है और जो पहाड़ हम लोग चढ़ते हैं इतना अच्छा लगता है, क्या बताऊँ आप लोगों को। तो इसके साथ एक गाना के साथ शुरुआत हो जाए तो और मज़ा आ जाए, तो थोड़ा गाना के साथ भी इस नज़ारों का आनंद लीजिए। सा फास्ट फॉरवर्ड कर दूँ ताकि आप लोग कम समय में जल्दी से दार्जिलिंग का वीडियो का आनंद ले पाएँ और इस मनमोहक पहाड़ियों वादियों में जल्दी जल्दी आप लोग घूम पाएँ और आप लोग बोर भी ना हो। तो चलिए थोड़ा सा मैं फास्ट फॉरवर्ड इस वीडियो को कर देता हूँ। Thank you.
आगे जा रहे हैं, अभी तो बस शुरुआत है। आगे आगे देखिए क्या है नज़ारा। और ये सामने आप लोग जो देख रहे हैं ये चाय पत्ती का बागान है, तो पहाड़ के साइड में ऐसे ही चाय पत्ती का बागान रहता है। और ये बताओ दोस्तों, एकदम ही पहाड़ की ऊंचाई पर हूँ, लगभग 5000 फीट तो होगा ही दोस्तों, और हम लोग को कम से कम 11000 फीट की ऊंचाई पर जाना है, तो आप लोग समझ ही सकते हैं कितना ऊंचाई पर हूँ अभी। और नीचे का नज़ारा आप लोग देख ही सकते हैं, और बहुत ही खूबसूरत वादियाँ हैं यहाँ पर, आप लोग अंदाज़ा घर बैठे तो लगा ही सकते हैं। अगर आप लोग यहाँ पर आते हैं तो यार मैं जो अनुभव कर रहा हूँ वो भी आप लोग अनुभव कर सकते हैं, पर वीडियो से भी यार मज़ा आ ही रहा होगा आप लोगों को। तो इसी बात पर एक लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप लोग कमेंट करना भूल जाते हैं, मुझे ये बात पता है, क्योंकि मैं आप लोग कमेंट्स पढ़ता हूँ, और अधिकतर लोग दोस्तों कमेंट नहीं करते हैं, वीडियो देख के भाग जाते हैं। प्लीज़ कमेंट में कीजिएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे सपोर्ट देता है और एक लाइक आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन करता है। तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करें ना करें लाइक कमेंट ज़रूर करें। चलिए इसी बात पे आप लोग एक शायरी सुना देते हैं, तो गौर कीजिएगा। पहाड़ों में रहस्य है, पहाड़ों में कहानी है, पहाड़ों में रहस्य है, पहाड़ों में कहानी है, नज़दीक से देखा नहीं पहाड़ तो बेकार जवानी है, तो बेकार जवानी है। तो इसी बात पे फटाफट सा लाइक कीजिएगा और आगे बढ़िए, हल्का सा भी स्किप नहीं कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ऐसा खूबसूरत नज़ारा आप लोग सिर्फ दार्जिलिंग में ही देखने को मिलेगा, क्योंकि हम लोग का भारत महान। और सौरभ जहा है आपके साथ डिजिटल यात्रा की, चले करते हैं शुरुआत, तो बने रहिए मेरे साथ। मैं जदों तेरी ख्वाबा वाली रात तो लिया, मैं तो रहा बड़ा नवे तो जावे मुड़िया, वो जीने रेंदे पन्ने नाल पन्ने जुड़ दे, मैं रवा तेरे नाल यो नवा गू जुड़िया, मैं लिखता हुंदा सी तेरे बारे अड़िए, जाके पुछ ले गवाने तारे अड़िए, जो कर दे मजाक यो ना हस लेण दे, जो तने कस दी ना नु कस लेण दे। तो दोस्तों कैसा लग रहा नज़ारा, चारों ओर देख सकते हैं बादल ही बादल है, और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। ऐसा नज़ारा सिर्फ दार्जिलिंग में देखने को मिलेगा यार, बहुत ही ज़्यादा मस्त नज़ारा, क्योंकि इतना ही ऊंचाई पर ही हूँ ना कि चारों ओर बादल ही बादल है, और कभी ऊपर कभी नीचे ऐसे चढ़ान आते जा रहा है और हम लोग जाते जा रहे हैं, तो बहुत ही सुंदर नज़ारा है। तो लाइक आप लोगों ने किया है कि नहीं, फटाफट से लाइक कीजिए, देखिए कितना अच्छा नज़ारा है। और अभी बता दूँ, मैं अभी कुछ करसोंग जैसा नाम है कुछ इस जगह का, वहाँ पर हूँ अभी, और यहाँ पर आप लोगों को सभी चीज़ देखने को मिल जाएगा, स्कूल वगैरह सभी कुछ है यहाँ पर, क्योंकि दार्जिलिंग शहर ही दोस्तों पहाड़ के ऊपर बसा हुआ है, और पूरा एक शहर ही है यहाँ पर, एक जिसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट, वो डिस्ट्रिक्ट ही है यहाँ पर दोस्तों, और सभी चीज़ यहाँ पर है दोस्तों। अभी यात्रा अभी बाकी है, तो वेट कीजिए नेक्स्ट एपिसोड का, तब तक के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।